योगी आदित्यनाथ जी एनएसए लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोले, इस मामले में भी जो उनके खिलाफ बोलेगा वो प्रतिद्वंदियों पर एनएसए लगाते हैं, हर तरह के कानूनी हथकंडे अपनाते हैं, इस पर वो क्या कर रहे हैं, क्यों सुप्त है सरकार, ये हमारा सवाल है। और हमारा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्यों नहीं देख रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए ये हो रहा है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है, अपराधियों को पता है वो जितने जघन्य से जघन्य अपराध कर ले कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको कोई पकड़ने वाला है, और इसीलिए इस तरह के जघन्य अपराध कर लोग आज भी आराम से घूम रहे हैं। और एनसीआरबी के डेटा का मैं इसलिए उल्लेख करना चाहती हूं, जबकि ये 2 साल पुराना डेटा है 2018 का, उसके बाद तो जो निरंतर घटनाएं हुई है ये डेटा कहीं और पहुंच गया होगा। उत्तर प्रदेश देश की क्राइम कैपिटल बन चुका है। 2 साल पुराना डेटा बताता है कि हर रोज 12 रेप होते हैं, 36 महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, 46 के करीब अपहरण होते हैं, और ये लगातार होता जा रहा है, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिन अपराधियों को सरकार को कानून व्यवस्था के चलते पाठ पढ़ाना चाहिए उनको संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे चिन्मयानंद हो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। तो इसकी जवाबदेही तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती ही है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि क्या मैं सरप्राइज हूं, क्या मैं हतप्रभ हूं कि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के करीब 312 एमएलए हैं, उनमें से 37% के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, और उन 312 में से 80 से ऊपर लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले हैं, जिसमें रेप और हत्या के मामले आते हैं। तो ये लोग हमारी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले हमारी बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। और आज मेरा सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, आज मेरा सवाल प्रधानमंत्री महोदय से भी है, क्यों वो चुप हैं, क्यों उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, कहां है वो नेत्रियां, कहां है वो महिला नेताएं जो दौड़ दौड़ कर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बातें करती थी, जो चूड़ियां भेजती थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, जबकि मुझे लगता है कि चूड़ियां जो है वो सशक्ति की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है,